गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? सभी ठीक ही होने चाहिए क्योंकि आजकल तो घर पे ही है ना सब। ओके, तो आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। वैसे तो आप सब ने अभी कपड़े पहने होंगे ना, बिना कपड़ों के तो कोई भी नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड। तो आप अभी अपने कपड़ों को टच करके देखें तो आप महसूस करेंगे कि कपड़े किस तरह के बने हुए हैं। आप अपनी बेडशीट को टच करके देखिए, आप अपने टेबल के क्लोथ को टच करके देखिए, या अपने आसपास अगर कोई कपड़ा है तो उनको टच करके देखिए, तो आपको महसूस होगा कि वो अलग अलग तरह से बने हुए हैं, मतलब अलग अलग चीज़ के बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये देख लिया है तो अब हम छोटी सी स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी बुक में दी हुई है, पहेलियों और बूझों की। उन्होंने साइंस क्विज के कंपटीशन में, जो उनके स्कूल में हुआ था, वहाँ से उन्होंने एक प्राइज़ जीता और उस प्राइज़ मनी से उन्होंने सोचा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। तो जब वो कपड़े की दुकान में गए तो वहाँ पर उनको बहुत सारे कपड़े दिखाई दिए। वो कन्फ्यूज़ हो गए कि इतने सारे कपड़े, और जो कि अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। कोई सिल्क का बना, कोई कॉटन का बना, कोई किसी और चीज़ का बना है, कोई टेरिकॉट का बना है, अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं। खैर, अपनी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए उन्होंने वुलन के मफलर लिए, ठीक है, और एक कॉटन की साड़ी ली। तो पापा के लिए उन्होंने मफलर ले लिया और मम्मा के लिए उन्होंने कॉटन की बनी हुई साड़ी ले ली। अब वो जब दुकान से वापस आए तो उनके दिमाग में बात चल रही थी कि कितने तरह तरह के कपड़े थे उन्होंने वहां पर, और क्या क्या देखा था। उन्होंने वहां बहुत सारी बेडशीट्स देखी, ब्लैंकेट्स देखे, कर्टेंस यानी पर्दे देखे, टेबल क्लॉथ देखे, कुछ तौलिए भी टंगे हुए थे और कुछ डस्टर थे। डस्टर मतलब कपड़े झाड़ने के, धूल झाड़ने के लिए, डस्ट झाड़ने के लिए जिनको हम यूज़ करते हैं उनको डस्टर्स कहते हैं। और वो सारे के सारे बहुत अलग अलग चीज़ों के मिलकर बने हुए थे। इवन जो उनका स्कूल का बैग था, स्कूल बैग, जब उन्होंने घर पे आके देखा उनका स्कूल बैग भी किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ था। तो वो सोच में पड़ गए कि इतने सारे कपड़े अलग अलग तरह से कैसे बने हुए हैं। फिर उन्होंने जब कोशिश की तो कोशिश करके उन्होंने देखा, अपने घर में पूछा होगा, तो उनमें से कुछ चीज़ें कॉटन की बनी हुई थी, कुछ वूल की थी, कुछ सिल्क की थी, और कुछ ऐसी थी जो सिंथेटिक था, जिनका मटेरियल सिंथेटिक था। अभी सिंथेटिक क्या होता है हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जब वो घर पे आकर उन्होंने सोचा तो उन्होंने ये पाया कि कुछ चीज़ें कॉटन की बनी थी, कुछ वूल की, कुछ सिल्क की, कुछ सिंथेटिक की। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, वैरायटी इन फैब्रिक्स। ये हम जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने आसपास अगर कोई टेलर शॉप है, अगर आपके पास कोई टेलर शॉप है या घर में छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो उनको कोशिश करिए कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं, और हर एक का एक नाम रख दो कि ये चीज़ कॉटन का बना है, ये चीज़ सिंथेटिक है, हमें नहीं पता किस चीज़ की बनी हुई है, ये चीज़ किसी वूल से बनी हुई है, या ये किसी सिल्की कपड़े की बनी हुई है। ऐसे ऐसे आप उन सभी मटेरियल्स को चिपका कर उनका एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे एक और एक्टिविटी दी हुई है और लिखा हुआ है यार्न। अब ये यार्न क्या होता है? अगर हमारा शर्ट का कोई बटन टूट जाए तो मम्मी सुई में धागा डालकर उस बटन को सिल देती हैं। तो अब ये जो धागा है ना, धागा, इसी को हम यार्न कहते हैं। क्या कहते हैं? यार्न। अब अगर हम बात करें इस यार्न की, तो यार्न को और भी हम कई तरीकों से अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई छोटा सा कपड़ा है हमारे पास, उसका एक एंड जिसमें से एक धागा कहीं से निकल रहा हो, उस धागे को वहां से अलग करिए, तो वो धागा ऐसा ही होगा जैसा कि मम्मी ने बटन लगाने के लिए जिस धागे का इस्तेमाल किया है। बस यही जो बटन लगाने के लिए मम्मा ने धागा इस्तेमाल किया है वो थोड़ा थोड़ा सा फाइन होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है। मजबूत तो दूसरा भी होता है जिससे कपड़े बनते हैं। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो
तो ये धागे भी कई तरह के होते हैं। जो कॉटन का कपड़ा होगा उसमें जो धागा इस्तेमाल होगा वो कॉटन का बना हुआ होगा। अगर हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, उसे स्वेटर बनाने के लिए जो ऊन है, वो जो वूल है, वो वूल हमको कहाँ से मिलती है, ठीक है? या जो कोई और चीज़ आप ले सकते हैं, मैट है, जैसे घर में मैट है ना, मैट जो हम नीचे ज़मीन पे बिछाते हैं, वो ना ही किसी कपड़े की तरह लगता है ना ही किसी ऊन की तरह लगता है, लेकिन वो है तो वो भी जूट भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बन वो सॉरी जो मैट है वो भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो कपड़ा अलग चीज़ से बना है, धागा अलग चीज़ का बन रहा है ना, और जो मैट है वो अलग चीज़ का बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है? ये डिस्कस करने से पहले अब हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फाइबर्स। ये फाइबर्स क्या होते हैं? अब देखो बच्चों, सबसे पहले एक है क्लोथ। हम क्या करते हैं, एक क्लोथ लेते हैं, कपड़े का टुकड़ा। वो कपड़े का टुकड़ा किससे बना है? यार्न से। अब ये जो यार्न है, यार्न और भी बारीक बारीक चीजों से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं फाइबर्स। तो क्लोथ क्लोथ बना है यार्न से, और यार्न यार्न किससे बना है? छोटे छोटे और भी यूनिट्स से मिलकर बना है, जिनको हम बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है? कपड़ा जो हमने पहना हुआ है, कपड़ा किससे मिला मिलकर बना है? धागों से। और धागे किसके बनते हैं? फाइबर्स से। अभी जो फाइबर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं मैन मेड, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, ठीक है? कई सालों पहले तक हमें सिर्फ इन नेचुरल फाइबर्स के बारे में ही पता था, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने आगे तरक्की की, हमने केमिकल्स की सहायता से खुद फाइबर्स बनाना स्टार्ट कर लिए, ठीक है? जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। अब ये नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? देखो, नेचुरल फाइबर्स हमको प्लांट्स से भी मिलते हैं और नेचुरल फाइबर्स हमको एनिमल्स से भी मिलते हैं। प्लांट्स से कैसे मिलते हैं? जैसे कॉटन का प्लांट है, जैसे जूट का प्लांट है, कभी कभी हम पेड़ों की छालों से भी फाइबर्स निकाल लेते हैं। पेड़ की जो छाल होती है ना, बाहर वाली आउटर वाली, बार्क जिसको कहते हैं, उनसे भी हम फाइबर्स को प्राप्त करते हैं, और उनसे हम मोटी मोटी रस्सियां बना लेते हैं। तो ऐसी चीजें जो हमको नेचर से मिल रही हैं, उनको बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर्स, जैसे कॉटन प्लांट। एनिमल्स में बात करें तो जो भेड़ें होती हैं, याक होता है, इनके बालों को हम उनकी बॉडी से उतार लेते हैं और उनसे आगे फाइबर्स बना लेते हैं, और इन्हीं फाइबर्स से आगे हम धागे बना लेते हैं, और उन्हीं धागों से आगे चलकर हम कोई कपड़ा या रस्सी बना लेते हैं। तो जो चीज़ नेचुरल नहीं होती, जो हम फैक्ट्रीज में केमिकल्स के द्वारा बना रहे हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स। और ऐसे फाइबर्स जो हमको एनिमल्स से या प्लांट्स से मिल रहे हैं, उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।